फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी सांभर। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने जो है कुकर में मैंने तेल डाला है। तेल को अभी गर्म होने देते हैं, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये तुअर की दाल जो है मैंने बना लिया है, इसमें जीरा हल्दी नमक डाल के बना लिया है। तो इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ और इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो कुकर में मैंने जो तेल डाला था वो गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैंने प्याज काटा है एक बड़ा सा, वो डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये लाल मिर्च पाउडर है इसको। इसके बाद ये लौकी है मैंने काटा है छील के, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लौकी को। इसमें मैं दो लाल टमाटर डाल दूंगी और इसके बाद ये सांभर मसाला है मैंने डाल दिया और ये इमली का है पानी, इमली को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था, उसके बाद छान लिया उसका जूस, तो वो डाल दूंगी। और ये हरी मिर्च है इसको डाल दूंगी। जो दाल है इसको हम डाल देंगे इसी में। इसको जो है अच्छे से हम लोग मिला लिए। अब इसको मैं जो है इस पर एक लगा दूंगी ढक्कन, इसका सीटी देने देंगे, दो सीटी देने के बाद ये गल जाएगा, फिर इसका हम लोग तड़का देंगे। तो ये देखिए मैंने जो है इस पर 2 से 3 सीटी दोबारा ये जो है लौकी डालने के बाद मैंने सांभर को किया, तो ये मेरा सांभर जो है रेडी हो गया। अब इसको मैं तड़का दूंगी, तो वो तड़का आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं इसका। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है तेल डाला है, तेल में ये राई डाल दूंगी, राई को चटकने देंगे। इसके घी डाल देंगे और ये जो है लाल मिर्ची खड़ी है वो डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, हल्का सा भूनेंगे। और ये देखिए मेरा जो तड़का हो गया, तो इसी में ये धीरे से हम लोग सांभर डाल देंगे और ये डाल के अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। और इस पर जो है हरा धनिया है वो डाल दूंगी। तो ये लीजिए मेरा जो लौकी का सांभर रेडी हो गया। अब इसको गर्मा गर्म चावल के साथ बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही ईजी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।